जैसे तुम्हारी सोच छोटी है। कितनी धूल जम गई है यार, जब भी काम होता है रामलाल गायब ही हो जाता है। आने दो इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। रामलाल, रामलाल छुट्टी पे आज रामलाल। अबे रुस्तम तू और तेरे हाथ में झाड़ू। हाँ भाई मैं और मेरे हाथ में झाड़ू। अबे क्या हुआ अंकल, तू जाया से अलग कर दिया क्या, जो नौकर बन के घूम रहा है? अबे नहीं यार, पापा ने ये घर किसी को किराए पे दे दिया। 3 दिन पहले मुझे बोला था रामलाल से सफाई कराने को, लेकिन उसे बोलना ही भूल गया। बस बस अरे कहानी में समझ गया, रामलाल छुट्टी पे इसलिए तू घर की सफाई कर रहा है। हाँ भाई। वैसे किराएदार कब आ रहे हैं? आज ही आएंगे भाई। तो तू बहुत जल्दी सफाई करने नहीं आ गया, और 2-3 दिन बाद आया था। अब अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप मेरी हेल्प करा। भाई मुझे वॉशरूम जाना है, मैं घर से होकर आता हूँ। अरे ओ वॉशरूम यहाँ भी है, चुपचाप जा और जल्दी आ और हेल्प करा मेरी। भाई नहीं जाने देगा? नहीं ठीक है फिर यहीं कर लेता हूँ। हाँ जल्दी आ, बहुत सारा काम है। कुछ नहीं। कौन हो तुम? चलो रहने दो, शक्ल से और कपड़ों से तो नौकरी लग रहे हो। क्या कम सुनाई देता है क्या, सफाई करो। आप कौन? जी मैंने ये घर ना किराए पे लिया है। अच्छा तो आप है वो, ये कब से आपके आने का वेट कर रहा था। कौन, ये नौकर? कौन नौकर? मैं नौकर, मैं मालिक, मैं नौकर। अबे तू क्या बोल रहा है, तू तो मालिक है ना। ये मालिक है? अरे नहीं नहीं वो वाले मालिक नहीं, हमारा नाम है रामलाल मालिक। रामलाल? अबे क्या बकवास कर रहा तू? देखा इन्होंने बोला रामलाल, हम ही इस घर के नौकर और आपके। क्या चल रहा तेरे दिमाग में? भाई दिमाग में नहीं दिल में बस गई है। अबे तो तुझे नौकर बनने की जरूरत नहीं है, मौका मिला है इसके साथ रहने का। आप दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था मैं कौन से रूम में रह सकता हूँ। क्या तुमने भी यहाँ रूम किराए पे लिया है क्या? अरे नहीं नहीं मैं भी तो रहूंगा आपके साथ, इसलिए। तुम क्यों रहोगे मेरे साथ? क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ इसलिए। पर एग्रीमेंट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, और मुझे ना किसी नौकर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। अरे रख लीजिए मैडम, इस घर के साथ नौकर फ्री है फॉर 1 मंथ। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन हाँ नौकर हो ना तो किचन में रहना, रूम वूम नहीं मिलेगा समझे। मैं क्या बोल रहा था उसे, 1 महीने तक फ्री हूँ क्या? तेरा बाप नौकरी करेगा यहाँ 1 महीने तक? आप जैसे वो बात कर रही थी ना, मुझे तो ऐसा लगता है 2 महीने भी नहीं पटेगी तुझसे। 1 महीने में मेरी होगी वो। पक्का? पक्का। चल ठीक है मेरे को बहुत सारा काम है, झाड़ू लगाना है। चल ठीक है मैं चलता हूँ। ओके रामलाल, चाय कहाँ है मेरी? रामलाल, ओ रामलाल, उठ जा 9 बज गए हैं। सोने दो यार। उठ जा, कैसे नौकर है यार ये। जूस साइड में रख दो, बाद में पी लूंगा। अच्छा जूस, यहाँ मुझे सुबह से 1 कप चाय तक नसीब नहीं हुई है और तुझे जूस पीना है। रुक अभी बताती हूँ तुझे। कौन है? कैसा लगा पानी वाला जूस? तुम्हारी तो, मैं तो नौकर हूँ। मैडम आपके लिए मैं चाय बना के लाता हूँ अभी। हाँ तब तक मैं नहा कर आती हूँ। क्या क्या करना पड़ता है भाई प्यार में। ये रहा पतीला, ये डाला मैंने दूध।
डाला मैंने चटपटी, ये डाला मैंने चीनी, बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे तेरी सूरत। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो आपने पानी डाला था ना तो ठंड लग गई है। पानी इतना ठंडा भी नहीं था, लाओ चाय दो मुझे। हो तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमान। अब घूर क्या रहे हो, जाकर खाना बनाओ। जी मैम साहब। जी ये कैसी चाय है? रामलाल। जी मैम साहब, चाय ज्यादा गर्म होगी क्या? गरम के बच्चे, चाय में चीनी डालने के लिए बोला था, नमक नहीं। अच्छा वो नमक था क्या? तो तुम्हें पता नहीं था क्या कि नमक है या चीनी? नहीं नहीं पता तो है, वो नींद में था तो गलती हो गई होगी। चुप रहो बिल्कुल। जिंदगी में कभी चाय तो पी नहीं तो क्या घंटा पता क्या नमक क्या चीनी। मैडम जी खाना तो खा के जाइए। नहीं खाना मुझे, मैं बाहर से खा लूंगी। वैसे मैडम जी मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। शट अप। इसका सेटअप भी कितना अच्छा लगता है यार। जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके सबको हो रही है। हाँ सबको हो रही है खबर। मैडम जी आपकी चाय। हाँ नीचे रख दो। एक मिनट, मुझसे बिना पूछे तुम्हें रूम में कैसे आए? मैम वो दरवाजा खुला था तो। अच्छा दरवाजा खुला था इसलिए तुम अंदर आ गए, कितने गंदे इंसान हो तुम। मैडम वो शराब के नशे में जब आप रात को आई थी तो मैंने आपको बेड तक छोड़ा था। शट अप तमीज इडियट, मैं शराब पी के आऊं या कुछ भी करूं तुम होते कौन हो मुझे मेरे बेड तक पहुंचाने वाले? आप गलत समझ रही हो। अच्छा अब तुम बताओगे मुझे क्या गलत है और क्या सही? पता है MBA की हुई है मैंने और इस घर का ना पूरा रेंट मैं अकेली भरती हूँ अपने पैसों से, और तुम एक मामूली से नौकर हो। नौकर हुआ तो क्या हुआ, मैंने आपकी हेल्प ही तो की। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की। आई हेट पीपल्स लाइक यू। पागल लड़की है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है नौकर लोगों से। मुझे तो रामलाल इतना प्यारा लगता है, उससे अच्छा ही काम कर रहा हूँ मैं। भूख लग रही है यार, होटल से खाना ले आई हो।
और हाँ शाम को मालकिन के लिए ले लियो। अरे वही नहीं किराएदार नहीं यार, तेरा भाई फुल कैरेक्टर में है। अच्छा सुन, 5-स्टार होटल से ले लियो, उंगलियाँ चाटती रह जाए। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मैडम आप आ गई। शट अप, खाना बनाया तुमने? हाँ बनाया ना, किचन में रखा है। तुझे मना किया था ना कि खाना नहीं बनाना है, खाना छोड़ मुझे। नौकर है नौकर की तरह रहे, औकात में रहे अपनी, समझा? सॉरी ये अंग्रेजी में झाड़ मेरे सामने। ओके रिलैक्स। तुझे 2 वर्ड क्या आ गए इंग्लिश के? तू मुझे हाथ लगाएगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं, समझा? चल सो जा। और हाँ यानी वाह किचन में उठ जा जल्दी, तेरी शिकायत करूंगी मालिक से। ना मेरा कोई काम करता है, चाय बनाने को बोलो तो नमक डाल देता है, मेरे सोफे पे सो जाता है। तू देख बेटा तेरी शिकायत करूंगी। ओ शिट शिट शिट, 9 बज गए, इस रामलाल के बच्चे ने मुझे उठाया ही नहीं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रामलाल, ओ रामलाल कहाँ मर गया? 9 बज गए यार, आज भी मुझे नहीं उठाया। रामलाल इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। ओह गॉड बहुत लेट हो गया है। ये किसकी गाड़ी है? रामलाल ये गाड़ी किसकी है? रामलाल? अरे नहीं नहीं रामलाल तो हम हैं, ये तो हमारे मालिक है, इस गाड़ी के भी मालिक है, इस घर के भी मालिक है। मैं सपना देख रही हूँ? सपना तो आप थी मालिक का, लेकिन आपकी शकल और हरकत कुछ मैच नहीं की, इसलिए मालिक ने आपकी नौकरी छोड़ दी। ये चल क्या रहा है? चल ये रहा है मिस, मैं यानी कि आपका रामलाल आपके चक्कर में पागल हो गया था और आपके पीछे नौकर बन गया था, लेकिन मुझे नौकर बन के पता चला आप मेरी लाइफ पार्टनर क्या, मेरे नौकर बनने के काबिल भी नहीं हो। ओह एक्सक्यूज मी, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस घर के मालिक हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव ना कभी नहीं करती। यही तो तुम्हारा जो घमंड है ना, जो घर के नौकर छोटे और घर के मालिक बड़े लगते हैं, यही फर्क है तुम में और हमारे रामलाल में। मैंने कभी उसे नौकर की नज़र से नहीं देखा और तुमने मुझे कभी इंसान की नज़र से नहीं देखा। लगता है तुमने शाहरुख खान की मूवी नहीं देखी। कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस लोगों की सोच छोटी होती है, जैसे तुम्हारी सोच छोटी है। रुको, अपना बैग तो लेके जाओ, जब इंसान को इंसान की नजर से देखना आ जाए तब आ जाना, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। रामलाल घर पे ताला लगा दियो। हे गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट क्या करो यार, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे जाके फॉलो कर लो और बहुत सारा प्यार दो। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तो लव यू ऑल।